फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, क्या आपके दीपक में फूल बनता है? हाँ फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के दीपक में फूल बनता है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, दीपक में फूल बनने का अर्थ है आपकी पूजा, आपकी अर्चना आपके इष्ट देव तक पहुँच रही है। फ्रेंड्स, इसका अर्थ है आप पर अपने इष्ट देव की अपार कृपा है। वे किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर वक्त आपके साथ है। भगवान हमें यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी प्रार्थना, आपकी पूजा उन्होंने स्वीकार कर ली है। फ्रेंड्स, आपकी सच्ची श्रद्धा भावना भगवान को भा गई है और आपके मन में कोई भी इच्छा है आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ईश्वर अपने आप पूरी कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा हृदय सच्चा है तो हम अपने ईश्वर को हर वक्त महसूस कर सकते हैं। वह हर पल हर वक्त हमारे साथ है और हमें हर वक्त अपने भाव को ऐसा ही बनाकर रखना है। मतलब हमारा हृदय पवित्र है तो हमें उसे पवित्र ही बना के रखना है। जिस तरह हम अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं निर्मल भाव से, निर्मल भावना से, वही भगवान को भा गई है। फ्रेंड्स, आपके दीपक में फूल बना है तो आपको और नम्र होना है और ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाना है। और फ्रेंड्स, आपको कुछ भी विशेष नहीं करना है, कुछ भी उपाय नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर को तो आप ऐसे ही भा गए हो, तो आपको अपने आप को ऐसे ही बनाए रखना है। जैसे शुद्ध आपकी भावना है, आपका मन है, वही ईश्वर को चाहिए, वही आप बनाए रखें और भगवान को गुड़, शक्कर, मिश्री जो भी आपके पास है उसका भोग लगाते रहे, क्योंकि भगवान तो भावना देखते हैं और तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखते हैं। फ्रेंड्स, आप भी भगवान को जो भी आपके पास हो, गुड़, शक्कर, मिश्री, भगवान को भोग लगाए और अपने शुद्ध मन से प्रार्थना करें। भगवान अपना आशीर्वाद सदा आप पर और आपके परिवार पर बरसाए रखेंगे। आप जीवन में हर समय हर क्षेत्र में बढ़ोतरी करोगे, आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और ईश्वर की कृपा आप पर सदा ऐसे ही बरसेगी।